हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे केहरबा ताल के बारे में, जो कि सबसे पॉपुलर ताल है। जो भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं उसमें ज्यादातर जो ताल होता है केहरबा ताल में ही होता है। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे केहरबा ताल के बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली एक केहरबा ताल के ऊपर बनाया है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और बहुत अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जो ताल है, दोनों वे से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक तो फॉर्मल वे, यानी इनका ताली खाली, इसका जो बीट कितने बीट का है, कहाँ पे इसका ताली आ रहा है, कहाँ पे इसका खाली आ रहा है, ये सारे चीजें जो है, सारी चीजें जो है इससे हम लोग समझेंगे। और दूसरा वे है, थोड़ा सा सिंपल वे में समझेंगे इसका, जो थोड़ा सा इनफॉर्मल वे कह सकते हैं इसको, वैसे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होता है ये सारे चीजें इनको समझना, और उसके साथ जब गाना आता है उसके साथ कैसे उसको गाएं, यानी उसका जो सिंक होना है दोनों सुर और ताल का, दोनों का जो सिंक होता है उसको करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम लोग फॉर्मल वे में इसको समझ लेते हैं एक बार, इसका कितना मात्रा है, कितना ताली है, कितना खाली है, और इसका क्या बोल होता है एक्चुअल, ये सारा चीज। और फिर एक बार उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे समझेंगे उसको आप, वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, ये जो ताल है ये 8 मात्रा का ताल है, यानी इसका जो टाइम स्पैन है वो 8 मात्रा तक है, ठीक है। अभी ये जो 8 मात्रा है इसको 4-4 में डिवाइड किया गया है, इसको विभाग कहते हैं, 4-4। तो पहली विभाग में 4 मात्रा और फिर नेक्स्ट विभाग में 4 मात्रा, ठीक है। अभी ताली पहली विभाग में आता है पहली मात्रा में, और जो खाली है वो 5वीं मात्रा में आता है। ये ताली और खाली के बारे में मैंने पहले इसका जो वीडियो बनाया था मैंने ताल के ऊपर, उसमें मैंने डिटेल में बताया, तो आप जाके उसको देख सकते हो। अभी इसका जो पहला मात्रा है उसको सम भी कहते हैं, कोई भी ताल का जो पहला मात्रा होता है उसको सम कहा जाता है, और उसका जो साइन है वो क्रॉस क्रॉस होता है, तो क्रॉस पहली मात्रा में क्रॉस लिखा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे इसका जो बोल है वो क्या है। बोल यानी हम लोग जब इसको तबले के साथ तबले में बजाएंगे तो कुछ तो बोलेंगे उसको, तो क्या बोलना है उसको, उसी को बोल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो बोल है वो है धा गे ना ती ना क धी ना। अगर आपको काउंट करेंगे तो ये 8 काउंट आएगा आपको, क्योंकि इसका जो मात्रा है 8 मात्रा है, तो ऑब्वियसली 8 ही आएगा। तो धा गे ना ती ना के धीना, आप अगर इसको हाथ में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, तो पहली मात्रा में ताली आएगा, तो यानी धा गे ना ती ना, इसको खाली बोलते हैं जब हम लोग हाथ को ऐसे उल्टा करते हैं, तो इसको खाली दिखाते हैं, ठीक है। तो ना क धी ना, फिर से एक बार दिखाता हूं मैं आपको, था ग ना ती ना क धी ना था। तो अभी इसको एक फ्लो में अगर मैं दिखाऊं तो कैसे होगा, था ग ना ती ना क धी ना था, ठीक है। अब थोड़ा सा इनफॉर्मल जो तरीका है उसमें मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब बिगनर्स होते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ताल को समझना किसी किसी के लिए। क्योंकि जब कहा जाता है कि ये इतने मात्रा का है, ऐसे काउंटिंग करो इसको, यहाँ पे ताली आता है, यहाँ पे खाली आता है, तो ये सारे चीज को संभाल के फिर सुर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इतने सारे चीज, सारे चीजें जब एक साथ होती है तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसीलिए कहता हूं, आप इतना सारा जो चीज है मैंने अभी बताया है आपको, आप इतना अभी ध्यान में मत रखिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए, जब आप लोग एडवांस लेवल थोड़ा सा पहुंच जाएंगे तो अपने आप धीरे 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 ये सारे चीजें आपको समझ में आ जाएगा। पर हाँ, जब स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग में जो सिचुएशन है उसमें आप कैसे समझोगे, तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कोई गाना सुने तो आप ध्यान से अगर सुनेंगे उस गाने में कोई भी एक बीट आपको थोड़ा सा लाउड सुनाई देगा, तो उसी को सम कहते हैं। जो सम होता है थोड़ा सा लाउड होता है,
जो भी आगे का जो भी बोल है उससे थोड़ा सा वो लाउड सुनाई देगा, चाहे वो तबले में हो या तो चाहे वो ड्रम में हो, किसी में भी हो, तो थोड़ा सा वो लाउड सुनाई देगा। तो आप वहां से उसको काउंट करना शुरू कीजिए, और काउंट 8 तक नहीं करना है, इसको आप 4 भी काउंट कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके भी आप इसको काउंट अगर करेंगे तो वो 8 मात्रा का ही काम करेगा, ठीक है। तो आप जहां पे आपको सुनाई दिया वो बीट जोर से, तो आप वहां से इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे जब आप उसको काउंट करना सीखेंगे, काउंट करना सीखना यानी उस रिदम के साथ उसके साथ चलना, ठीक है, काउंट करना सीखना यानी इसको मैं काउंट करना सीखना बोल रहा हूं। तो आप जब उसको काउंट करना सीखेंगे तो आपके अंदर वो जो रिदम है वो बैठ जाएगा। तो धीरे धीरे आप जब इसको करेंगे, फिर आप अपने जब प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ अगर कोई संगत है तबला बजा रहा है या तो कोई भी ड्रम बजा रहा है, तो उसके साथ आप जब गाएंगे तो आपको जो वो रिदम है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है आपको समझने के लिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको समझिए कहाँ पे आपका सम आ रहा है, उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको कोई भी गाने का, ये प्रैक्टिस का तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे उसको सुनिए पहले, जहां से जहां पे आपको सबसे ज्यादा जोर से बीट सुनाई दे रहा है तो वहां से काउंट करना शुरू कीजिए और फिर उसको काउंट कीजिए, ठीक है। तो आप जब काउंट करेंगे इसको धीरे धीरे, आपको जो रिदम है वो जो रिदम जो है वो रिदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर आप उसको परफेक्टली कर पाओगे धीरे धीरे। तो ये है एक तरीका। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मोस्टली जो गाने होते हैं वो कहरबा ताल में ही होते हैं, यानी 80 से 90% तक गाने आपको कहरबा ताल में मिल जाएगा। तो ऐसे किसी एक गाने को चूज करके आप उसके साथ जो काउंटिंग का प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दीजिए। जब तक ये काउंटिंग का प्रैक्टिस आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंटिंग सबसे जरूरी है कोई भी ताल का, चाहे वो कहरबा हो, चाहे वो तीन ताल हो या तो दादरा हो, कोई भी ताल का जो काउंटिंग है उससे क्या होगा, आपका जो ताल का सेंस है, उस ताल का जो पैटर्न है वो जहन में आपका बैठ जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये जैसे आपका धीरे धीरे ग्रो होगा, आप उस ताल को समझ पाएंगे और ऐसे करके आप एक दिन परफेक्ट भी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका है कहरबा ताल को समझने का। तो कैसे लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट्स कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।